भक्तन पे राखी नजर सुबही भरोसो, अरे मैया दुर्गे तो सो मेरे मेरी आदि भवानी, मैया दुर्गे तो सो मेरे मेरी आदि भवानी, राखो सभा में मेरी हो भवानी, लाखों सभा में मेरी हो आज तेरी राह निहारी, आना मेरी मादक लेके सिंह सवारी रे, राखो हमारी लाज आज तेरी राह निहारी, आना मेरी मादक लेके सिंह सवारी रे, मेरी दुर्गे माता भवानी, और भक्तन पीछे राक्षस की कह कर डारी कुर्बानी, अरे मैया दुर्गे तो सो मेरे मेरी आदि भवानी, दुर्गे मैया मात तेरी आस लगाई, मारे राक्षस बीरक करिया गणना लाई रे, नरबरगढ़ को भूप मात तेरी आस लगाई, मारे राक्षस बीरक कारे गन्ना लाई रे, तेरी लीला जग से न्यारी, और तेरे तेरो दास आज सुत लेना माता हमारी, अरे दुर्गे मैया को सो मेरे मेरी आदि भवानी, राखो सभा में मेरी हो, दुर्गे मैया तो सो मेरे मेरी आदि भवानी, लाखो सभा में मेरी हो, हाँ भैया राजपूत कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष ये जो कहानी लेकर के चल रहे हैं परीक्षित श्राप की कहानी, किस तरह से महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, इससे पहले परीक्षित के विवाह के नाम से जो हम आपको कहानी दे चुके हैं, तो आ जाइए जिस समय ये पांडव लोग भगवान श्याम के कहने के आधार पर हिमालय में गलने के लिए जब जाते हैं, बंधुओं द्वापर के चौथे चरण की यह कहानी है, और उस समय कलयुग का नंबर आया था, द्वापर का अंतिम समय था, तब पांडव लोग जो थे, अस्तु परीक्षित लाल को देखे सब अधिकार गए हिमालय के लिए पांचों पांडु कुमार, ये पांडव लोग हिमालय के लिए चले जाते हैं, उसके बाद परीक्षित को राज्य दिया है, परीक्षित वहां के इंद्रप्रस्थ के जब सम्राट बने हैं राजा बने हैं, लेकिन जब पांडव लोग वन में हिमालय में गलने के लिए गए थे वो समय कौन सा था, पांडव लोग जब गए थे कि द्वापुर का अंत समय था वो कलयुग की बारी आई,
बता था दुख की अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंतिम समय और कलयुग का नंबर आया था कब, जब पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे। भाइयों ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, या द्वापर धामत सैया पर कल पल रूप पलने पर था, पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का कब ढलने पर था। पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का कब ढलने। पांडव लोग जब हिमालय में गलने के लिए गए थे, द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग का नंबर आया था, या यूं समझिए कि द्वापर जो था वो मृत सैया पर लेटा हुआ था और कलयुग एक बालक के रूप में पालने में खेल रहा था। कब? जब पांडव लोग गए। वैसे ये कोई ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, भागवत में ये लिखा है कि ये केवल 5098 साल पहले की बात है। बंधुओं 5098 वर्ष पहले पांडव लोग हिमालय में गलने के लिए गए थे और महाराज परीक्षित जब वहां के राजा बने तो राजा लोगों का स्वभाव होता है शिकार खेलने का। तो भूप परीक्षित जब बने बे खेल न जात शिकार, भोर हो तो एक दिन चले घोड़ा पे भय सवार। ये पांडव लोग तो लला हिमालय में चले गए और परीक्षित जो हते सो शिकार खेलवे के लिए आन जान लगे वन में। एक दिन ऐसो बहुत सवेरे ही सवेरे परीक्षित जब वन में शिकार खेलवे को चले तो सैया तो नवाल देखो, चलो है रे सैया तो नवाल देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई कर तेग समारी रे, शिकार खेलन चले। और जब शिकार खेलन चले परीक्षित, अरे वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई कर तेग समारी रे, घोड़ा की करी सवारी और खेलन चले शिकार परीक्षित योद्धा रे बलकारी। अब सैया तो नवाल देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। तो नवाल देखो, चलो रे सैया तो नवाल देखो, चलो रे सैया परीक्षित हो। शिकार खेलन चले बड़े खुश हैं। परीक्षित शिकार खेलवे को जब जंगल में गए, नार नबर दे चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे। चली आरती उतारवे को अपने पति की, नार नबल दे चली आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार थार सोने को लाई रे। आरती तो तुरंत, अरे आरत तुरत उतारी और जल्दी जइयो लौट कंस के गए बिरंसारी। तो सैया तो नवाल देखो, चलो है रे वीर परीक्षित हो। सैया तो नवाल देखो, चलो है रे सैया तो नवाल देखो।
नबलदे ने आरती उतारी और देखा ही महाराज जल्दी लौट गए। चले परीक्षित वीर दियो है घोड़ा बढ़ाई, पहुंचे वन में जाए रहे हैं नजर घुमाई रे, ना हिरना पड़ो दिखाई, एक अनोखी बात गई है नगर में उनके आई। अब सैया तो नवाला देखो चलो है रे वीर परीक्षित हो, महाराज परीक्षित जब वन में शिकार खेल वेखो गए और जंगल में जाए के जब पहुंचे हैं, वन में गए हते शिकार खेलने को लेकिन हुन तरीका का चोर देखो, देखी सम्मुख गाय महाराज परीक्षित ने, हिरण के तलाश में थे लेकिन हिरण नजर नहीं आया, देखी सम्मुख गाय और रही डकराई लगे दुखियारी, और खेलत हते शिकार रे जब उन्होंने नजर पसारी, गाय नजर में आई, गाय देखी गाय भागत जा रही डकराई रही, आयो पीछे बैल बड़ो है दुखारी, आयो पीछे बैल के बड़ो है दुखारी, भैया बैल जो हतो सो पीछे आ रहो है और वो गाय, गाय जो थी वो भाग रही है, लेकिन परीक्षित की तरफ देख के अब गाय ने एक बात कही, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए, देश की जाति की मर्याद निभाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने, देखा परीक्षित ने एक गाय भागती जा रही है और जिसके पीछे एक बैल, और वो बैल लंगड़ा रहा है तीन पैर से चल रहा है, गाय की और बैल की हालत को देखा, फिर कुछ और भी देखा, उस गाय और बैल के पीछे एक काला कलूटा सा इंसान दौड़ रहा था जिसके हाथ में मूसल था, और गाय और बैल के ऊपर जब मूसल बजता है तो भूमंडल कांप जाता है। परीक्षित ने देखा कि जिस गाय को हमारे हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है और जिस गाय को हम लोग मां समझ करके पूजा करते हैं, उसी गाय की ये दुर्दशा, उसी समय के तेगा तो उठायो परीक्षित, तेगा तो उठायो परीक्षित कई बास ललहो, परीक्षित कही है जो समय हो, कही जो समय आए, शर्म तो नेक नहीं आई, गाय
हमारी मात रहो तब हाथ उठाई रे। परीक्षक ने तलवार उठाई महाराज और जवाब दो खाए रे। पार्थ चले गए, अर्जुन चले गए, तो तूने जब समझ ले कि अर्जुन को जमानत दी थी। कहीं जो समय आए शर्म तो नेक न आई, गाय हमारी मात रहो तब हाथ उठाई रे। क्या समझ लई तूने मन में, और गए हैं पांड कुमार के तेगा नहीं किसी के कर में। चलो गऊ पे हाथ आज भाई हाथ को तोड़े, काहे तूने कहे तूने अब शब्द नाए तो जिंदा छोड़े रे। बदक से बोले जो चलो गऊ पे हाथ आज भाई हाथ को तोड़े, कहे तूने अब शब्द नाए तो जिंदा छोड़े रे। जिनके इतनी बानी और डर से गौ है कहां पे खड़ो गए दूर भाओ अभिमानी। अब देगा तो परीक्षा तने लाओ है रे कई है जो आगे। परीक्षित बड़े हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया क्यों रे तूने इतनी जल्दी समझ लिया कि अर्जुन चले गए तो अर्जुन का जमाना बीत गया। रे मूर्ख अगर दुनिया में अर्जुन नहीं है तो अर्जुन का अंश भी जीवित है। जिस हाथ को तूने गाय माँ के ऊपर उठाया है उस हाथ को ही मैं नहीं छोड़ूंगा। गाय और बैल ने देखा तो उसी समय दोनों अपने रूप में आ गए। गाय जो थी वो गाय नहीं, आगे बढ़ करके कहने लगी महाराज मैं पृथ्वी हूं पृथ्वी। जवाब दिया हाँ कि नदियां तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूं, लेकिन पाप के भोजन से अब धबी के नीचे जाती हूं। गाय ने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी हूं, चाहे जितनी सृष्टि बढ़ जाए कभी मैं चिंता नहीं करती, सबका भार अपने तन के ऊपर धारण करती हूं, लेकिन पाप के बोझ से अब मैं नीचे को दबी जा रही हूं। गाय ने जब ऐसे वचन कहे परीक्षित से तो शिकार खेलना तो भूल गए, उनकी घटना निहार करके दया आ गई। और तब तक जो बैल का रूप धारण किए थे वो कहने लगे महाराज मैं बैल नहीं हूं। फिर बताया कि मैं साक्षात धर्म हूं श्रीमन। सतयुग में हमारे 20 चरण थे जब हम तीनों लोकों में व्यापक थे हर इंसान के हृदय में। त्रेता में 16 ही चरण रहे लेकिन फिर भी चिंता नहीं की। द्वापर में 12 चरण बचे फिर भी धर्म दिखाई देता था, ज्यों त्यों करके गुजर चलाता रहा। लेकिन ये जो मेरा पीछे लगा ये कलयुग है, और कलयुग ने आते ही आते पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ दिया है श्रीमन। सच ये है के कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। कंठी माला था पाती काया देन नजर कछुआ देंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे।
जवाब दो धर्म ने कि महाराज कलयुग में सगे भाई के प्रति वो विश्वास नहीं कर पाएगा, सगे पुत्र के साथ पिता का व्यवहार नहीं होगा, सगे मित्र के साथ में मित्र वफादारी नहीं निभाएगा। कलयुग में बुरा अत्याचार पाप होगा, इसलिए इस कलयुग की दशा को निहार करके हम यहां से जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद में परीक्षित के होश उड़ गए। और दोस्तों वैसे कलयुग की उम्र तो 432,000 साल की लिखी है विद्वानों ने। 432,000 साल में कुछ विद्वानों का ऐसा लेख है कि 5,098 साल बीती हैं मात्र, और इन 5,098 साल में ही मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो ही बात सामने आने लगी कि अब सांचन की कदर ना है झूठन के सत्कार। अरे सांचन की कदर ना है झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके दे बेताते कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें कमार, साहू बतावे चोर चोर बने साहूकार। पराधीन चारों ही वर्णन निज धर्म से भय छीन, तप गयो तेज गयो बुद्धि है गई मलीन। पांच हजार 98 साल में अब बेटा नाच बाप देख रहे, अरे बेटा नाच बाप देख रहे, तलिक नहीं शर्माए रे कलयुग रखना। दोस्तों 5,098 साल में ही सांचन की कदर ना झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे ताते कहें होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, और साहू को बतावे चोर चोर बने साहूकार। वही बात बताई धर्म ने, और ये कहा कि महाराज दुनिया में धर्म नहीं होगा तो हम दुनिया में रह के करेंगे क्या, अब हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। परीक्षित ने सोचा कि अकेले कलयुग के आने से और इतनी मुसीबतें सामने आ रही हैं तो हम कलयुग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलवार उठाई आगे बढ़े और जवाब दो सुना कलयुग तुमने, तुम्हारे अंदर अब गुड़ के अलावा और गुड़ नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा जान तो है कि दोषी प्राणी को जो दूसरे की आत्मा को दुखाने वाले हैं उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता, और हम तुम्हें मारने आए हैं, मारेंगे जान से मारेंगे। तो कलयुग बोलो महाराज हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई नजर में आती है, हर आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं, वैसे हम अवगुण ही ना है। बात जो है कि राजन दुनिया कसी नहीं और दाने के अंदर घुन भी है। कलयुग बोलो राजन दुनिया कसी नहीं दाने के अंदर घुन भी है, एक चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है अब गुड़ भी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं महाराज जहां में गुड़ और अवगुड़ जे दोनों चीजें न हों। काव में गुड़ ज्यादा है काम में अवगुण ज्यादा है, अरे ये तो एक प्राकृतिक देन है। तो धर्मराज फिर आगे बढ़े और बोले महाराज जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो तो मैं ना मालूम कि पाप होए है कलयुग मेरे राजा रे, पाप होए है कलयुग में मेरे राजा रे, धर्म रहे गो पाप होए है
कलयुग में सतबाबी रे पाप हुए है कलयुग में मेरे राजा रे धर्म रहे वो सबके दिल छाबे सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौजा उड़ावे रे धर्म बोले जो अपनी बड़ाई मात लो बोले महाराज कलयुग में धर्म रहे गो नाए पाप सबके दिल आबे सज्जन भूखे फिरे दुष्ट घर मौजा उड़ावे रे जा बेटी घूमे कुआरी और सगी मात को पुत्र सतावे गारी दे घर बारी अरे पाप हुए है कलयुग में मेरे राजा रे धर्म रहे वो पाप होए कलयुग में महाराजा रे पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे धर्म रहे वो पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे पाप होए कलयुग में मेरे राजा रे धर्म रहे वो पाप होए कलयुग में घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी कलयुग में घर की नारी दुखी पुरुष ढूंढे पर नारी अपने पति को छोड़े नारी करे और उस प्यारी रे घर की नारी दुखी पति ढूंढे पर नारी अपने पति को छोड़े नारी करे और उस यारी रे ना मंदिर में कोई जावे और दिन दिन मंदिर घटे शराब के ठेका खूब दिखावे पाप हुए है कलयुग में मेरे राजा रे धर्म बात कही कि कलयुग में धर्म नाम की चीज नहीं होगी और जुआ पै मोह से अबे बड़ाई मार रहो है महाराज सगे पति को छोड़ के स्त्री पर पति से स्नेह रखेगी कलयुग में सगी स्त्री को छोड़ करके प्राणी पर नारी के पीछे घूमेगा अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री की गुलामी करेगा कलयुग में धर्म नहीं होगा दोस्तों तो सुन के बातें धर्म की गए भूप दहलाई गाले के हाथ में कहीं तुरंत समझाए जवाब दो कायरे कलियुग सुना तुमने अपनी बढ़ाई कर रहे हो और धर्म ये बता रहे हैं कि कलयुग में अत्याचार होगा पाप होगा अपराध होगा तो ऐसे प्राणी को छोड़ने में मेरी मूर्खता है हम तुम्हें ध्यान से मार देंगे दोबारा सतयुग फिर आ जाएगा कलयुग कहने लगा महाराज मार दीजिए लेकिन मारने से पहले कुछ मेरी बात सुन लीजिए कहिए श्रीमन ब्रह्मा जी ने जिस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है और उसी तरह से हमें भी रचा है पहली बात यह है अगर तुम हमें मार रहे हो तो भगवान ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी और दूसरी बात यह है जवाब दिया दूसरी बात यह है प्रभु अगर तुम ये कह रहे तुम्हारे अंदर अवगुण ही अवगुण है गुण नाम की चीज नहीं है तो महाराज ये तो संसार है कस्तूरी में दो सुजो रंग नाय लाई है और सोना में है दो सुजो सुगंध नाय लाओ है और राम में है दो सुजो नारी की नाक काटी और रावण में है दो सुजो सीता को हरिलाओ है अहिल्या में दो सुजो इंद्र के संग भोग किया और इंद्र में है दो सुजो चोरी से घुसियाओ है
अरे महाराज फिर तुम काहे को पागल बने, एक एक दो सुहर ने सब ही में लगाओ। कलियुग बोलो दुनिया में ऐसा कोई नहीं महाराज, जब गुड़ और अबगुड़ दोनों चीजें ना हो, काऊ में गुड़ ज्यादा है काऊ में अबगुड़ ज्यादा। अबगुड़ तुमने सब सुन ले, अब कुछ गुड़ है तो परिचित बोले बताओ कौन से गुड़ है। तो कलियुग बोलो महाराज सबसे पहलो गुड़ तो एक है, कौन सा? तो कलियुग कहने लगा श्री मन कि कलियुग के बल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नार उतर ही पा। महाराज कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतर रही पारा। पहला गुण ये है कि कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान हजारों साल गुफाओं में बैठ के भगवान का भजन करता था और फिर भी परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। दसौ इंद्रियन से और ग्यारहवें मन से कौन एक उदम राम कह दई तो समझ लो बाई घड़ी आराम है। जब आप दो महाराज पहलो गुण जो है और बताए, बोले हाँ बताओ दूसरो गुण कौन सो है। तो कलयुग कहने लगा महाराज दूसरो गुण जो है, सतयुग त्रेता में सोचा तो वो मनसा पाप गाता है, वो मनसा पाप गाता है, लेकिन कलयुग में किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है, कोई पाप नजर नहीं आता है। दिया दूसरा गुण यह है, सतयुग त्रेता द्वापर में इंसान अगर किसी की बुराई को मन में सोच लगता था तो उसे मनसा पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। जब तक कोई खुले तौर किसी की बुराई नहीं करेगा तब तक अपराध नहीं लगेगा। और बताऊं प्रभु, कहने लगे बोला सच ये है महाराज, अब जो पूछ रहे हो आप तो सच तो ये है, मैं विष भी हूं, सज्जन लोगन को गुड़ भी हूं, लेता हूं और देता भी हूं, करयुग भी हूं कलयुग भी हूं। मैं जहर भी हूं अमृत भी हूं, जो सज्जन हैं भगवान के भक्त हैं जिनके हृदय में कपट नहीं है सील है सद्भावना है उनके लिए अमृत हूं, और जो लोग बुरे हैं दुष्कर्म करने के बाद दोष मेरे ऊपर लगाते हैं उनके लिए तो मैं जहर हूं। दोष मेरा नहीं है, और मेरा दोष इसलिए नहीं है कि मैं जब से पैदा हुआ इतना सियाना हुआ आज तक किसी आदमी से कहने नहीं गया कि तुम सीधे न चलो उल्टे चलो, भला लोगों ने विश्वास कैसे कर लिया कि कलयुग बुरा है, महाराज मैं बुरा नहीं हूं। सच ये है कि खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगाए, मैं बुरा नहीं हूं। इंसान खुदाई बुरे काम करता है और दोष मेरे ऊपर लगा देता है। खुदाई करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगाए, ताई सहजा बीच धर में ना भया बटू भी जाई
पति भैया ना इंटरनी ओरे भारत के पछिताए ले बैठी खुद की करनी खुद की करनी अब भारत के पछिताए ध्यान रखना। वैसे मैंने तो अपनी आंखों से यहां तक देखा है। अब 60 साल के ब्याह रचा में ले में मोछ मुड़ाए कलियुग जाओ कहेगा वह तो बुढ़ापे में ब्याह करने चाहिए। 60 साल के ब्याह रचा में ले में मोछ मुड़ाए तब देश बरना पल पल की में बैठे बरना पल पल की में बैठे कर कंगन बंध पाई परस बारहा की बरनी ओरे भारत क्यों पछिताए ले बैठी खुद की करनी खुद की करनी अब जो कछ गुड़ और अब गुड़ हते सो हमने बताए दे अब महाराज मारो चाहो मार दो और छोड़े वो चाहो तो छोड़ दो जब तुम्हारी मेहरबानी है। परीक्षित बोले तो हम कलयुग तुम्हें मारे ना है। लेकिन एक बात हम जरूर कहें जहां भगवान की भक्त होंगे जहां सत्संग होगा जहां भजन कीर्तन होगा वहां नहीं जाओगे। तो कलयुग कहने लगा महाराज हमें बताओ हम कहां जाएं कहां रहें कौन सी जगह रहें। तो परीक्षित ने कहा सुनो हम जो जगह बताएंगे तुम उस जगह रहोगे बोलो। तो कहने लगे परीक्षित सुनिए कलयुग कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हूं बैसियाएं जहां पे रहती हूं मद की प्यालियां उमड़ती हूं परीक्षित ने कही देखो जहां जुआ खेलो जाते हो शराब पी जाते हो वैश्याएं रहती हो झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो वहां रहोगे। और सुनिए जिस जगह गुरु का मानना हो जिस जगह नहर का ध्यान रहे जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे बस वही तुझे स्थान रहे जवाब दो परीक्षित ने देखो कलियुग जहां जुआ खेला जाता हो शराब पी जाती हो जहां वैश्याएं रहती हो जहां झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो जहां भाई का दुश्मन भाई हो जिस जगह पंच अन्यायी हो जिस घर में सास और बहू में लड़ाई हो वहां रहोगे। जहां गुरु का मान न होता हो भगवान का ध्यान न होता हो तो जवाब दो कलियुग ने महाराज एक जगह अच्छी तो दई ने सब ऐसी बताई दी गलत गलत कोई ऐसी जगह बता देते जहां हम बने रहते। तो बाद में परीक्षित ने जब कही अगर ऐसी बात है तो तुम सोना में रहो सोना में सोना की जब बात कही कहने लगा महाराज ठीक है। और बाई समय पे पृथ्वी अपने रूप में आई धर्म अपने रूप में आए और कलयुग ने अरे छोटो सो रूप बनाओ और सोने के मुकुट चढ़ियाओ छोटो सो रूप बनाए की और परीक्षित जो सर पे सोने को मुकुट बांधे हते तापे सवार हुई गो राजा ने अश बढ़ायो चल के
एक आश्रम में आयो। अब तो भैया प्यास लगी परीक्षित को, तो पानी की तलाश कत भये, परीक्षित आगे को बढ़े और कलयुग जो है तो सोने के मुकुट में सवार भो लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जब महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम की तरफ बढ़े हैं, वहां जब पहुंचे हैं भैया, लगी भूप को प्यास कि करी तलाश जो बढ़े अगारी। और ऋषि लोमस के आश्रम में के पहुंच गए थे सतधारी। लोमस ऋषि के आश्रम पहुंच गए, बैठे लोमस संत, अरे बैठे लोमस संत, ध्यान कयंत सुना सरदारी। तब देख संत को भूपन बात बिचारी, देख संत को भूपन बात बिचारी, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखो कि लोमस ऋषि जो हते सो पद्मा आसन लगाए भय भगवान के भजन में लीन थे। बंधुओं, कलयुग सर के ऊपर सवार हतो सो परिचित ठाड़े ठाड़े सोचन लगे, बाहरे ढोंगी तूने हमें जो लगते कि हमें देख के आंखें बंद करना है, अरे तुझे चक्कर में होया कि हमें तो से कुछ चाहिए, अरे तू महात्मा और हम राजा मोए तो से काले में है तू। ठाड़े ठाड़े सोचन लगे के मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने कर डारो है या पहो, मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने कर डारो या पहो, मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने मानन आए मेरो जान, सन्यासी तूने कर डालो है या पहो, मान मान आए मेरो जानो, सन्यासी दे मान आए मेरो जानो, सन्यासी दे कर डालो या पहो, कर डालो अपमान नाए मेरी इज्जत कीनी, हमको आबत देखे सोचन लगे, कर डारो अपमान नाए मेरी इज्जत कीनी, हमको आबत देख बंद आंखें कर लीनी रे, तुम हो पूरे पाखंडी और पाले बैठे ढोंग नाए, तुम बन रहे संत अखंडी, अरमान नाए मेरो जानो, सन्यासी तूने कर डारो है अपहो, मान नाए मेरो जानो, सोचन लगे ठाड़े ठाड़े, बाहरे ढोंगी हमें देख के आंखें बंद करके बैठी हो, हमें तो इसे ना देखो कच्चा ही है, अरे पानी की प्यास लगी सुते द्वार तक चले आए। जब सोचत रहे बाकी बाद में बिने नजर उठाई, एक देखो करिया नाग भूपने नजर बढ़ाई, धनुष सलाए उठाए दो गर्दन लटक आई रे महात्मा। एक करिया नाग देखो सो धनुष के बल से नाग उठाओ और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डालो, सन्यासी ने नहीं जान पाया, भगवान के ध्यान में लीन थे। और उस महात्मा को राजा ने एक देखो करिया नाग भूपने नजर बढ़ाई, धनुष के बल से उठाए दो गर्दन लटक आई रे, चल दीनो सतधारी और पहुंचो महल में जाए करी ना मार्ग के बीच अबारी, अरमान नाए मेरो जान, सन्यासी तूने मान नाए मेरो जान, सन्यासी तूने कर डारो है अपहो, मान नाए मेरो जान, सन्यासी से मान नाए मेरो
जानो सन्यासी तूने माना ना है मेरो जानो सन्यासी तूने कर डारो अब हो देखो एक सर्प मरो बहु पड़ो है सब मरे भय सांप को उठाए के और महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में वो मरो बहु सांप हतो सो डाल दो मरो बहु सांप जब महात्मा लोमस ऋषि के गर्दन में डालो और परीक्षित जो हते सो घरे चले आए सिंहासन पे सर से मुकुट उतार के जब रखो तो आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। दोस्तों इधर तो नाग डार के चले आए उतमे बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब ही खबर सुन पाई ऋषि का लड़का था श्रृंगी ऋषि और श्रृंगी ने जब ये सुना कि हमारे बूढ़े पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल के परीक्षित चला गया उतमे बेटा श्रृंगी ने के जब ही खबर सुन पाई क्रोध गौ तन छाए कमंडल लीनो तो हाथ उठाई ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि ने जब हाथ में कमंडल उठाया दोस्तों महाराज पिता को देखो ना अपमान देने लगो है श्राप भूपतम सुनो लगाए के ध्यान भैया लेके कमंडल हाथ के श्रृंगी आगे जब देखा कि हमारे पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप डाल करके दिल्ली का सम्राट परीक्षक चला गया कमंडल उठाया और ये ध्यान रखना साथियों घर में सपूत होता है वो मर सकता है लेकिन बाप के अपमान को नहीं देख सकता। मेरी तो समझ में सिर्फ यही आया और मैंने तो यही सोचा कि जिनके प्रकाश से उद्धम हो ऐसे प्रभात से सांझ भली और जिनके न नाम से नाम चले से लड़कन से बांझ भली भारे घर के सपूत कमंडल से जल लाओ हाथ पर रखो मंत्र को जाप करो परिषद को श्राप दयो ओ धन के मतवाले राजा ओ धन के मतवाले राजा ओ माया मद के दीवाने मेरे हाथन से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने मरा हुआ सांप हमारे पिताजी के गर्दन में डाल करके गए हो ये सांप मरेगा नहीं परीक्षा जिंदा हो जाएगा बस सावधान और सावधान यार तक जिंदा हो जाइयो आठ में रोज अपा राजा को तुम डस के सुरपुर पहुंचाइयो के गर्दन में डाल के चले गए हो यही सर्प आज के आठवें दिन जिंदा हो जाएगा तुम्हें डस लेगा
और दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। दोस्तों उसके बाद अपने पिताजी के गर्दन से मरा हुआ सांप निकाला और जवाब दिया, पिताजी आंखें खोलो, तुम्हें और तुम्हारे गर्दन में जो मरा हुआ सांप डाल के चला गया था मैंने श्राप दे दिया है, आंखें खोलो। लोमस ऋषि ने जब आंखें खोली तब जवाब दिया, बेटा खैर तुमने अच्छा नहीं किया, जो तुमने श्राप दे दिया वो बिल्कुल महात्माओं जैसा राजा था, दोष उस राजा का नहीं था सरंगी, दोष कलयुग का था जो उनके सर के ऊपर सवार था। सरंगी उन बेटा से कही लला सुन सही कुमार मेरे प्यारे और देखे श्राप परीक्षकों के तूने गजब खरीदारे राजा को हाय तूने गजब खरीदारे। आएगा तुमको जो समय उनको दो सके कुमार हमारे बिन राजा के फिर है मारे मारे बिन राजा के फिर है मारे मारे। ऋषि ने समझाया, बेटा गलत किया, अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि तुमने जो श्राप दे दिया है परीक्षित जैसा राजा कोई नहीं होगा, परीक्षित के शासन में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बेटा परीक्षित अगर मर गए तो फिर दुनिया में क्या होगा? खैर अब श्राप वापस तो नहीं होता है, एक काम कर दो, दीजो बाई खबरी भिजवाई लेबे कछु के सोची उपाय नहीं पलकी देर लगाई भागो तुरत कुमर बहराई। दोस्तों जब जवाब दो है कि जाओ उसे खबर कर दो वो अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगा। उसी समय सब लड़कों ने जाकर के बताया है परिचय से, ये कहा है कि तुम्हें श्रृंगी के द्वारा श्राप लगा है जो सांप मरा हुआ समझ करके और श्रृंगी ऋषि के पिता के गर्दन में डाल के चले आए थे, श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दिया है कि श्रृंगी ऋषि श्राप दयो मेरे राजा रे, श्रृंगी ऋषि श्राप दयो मेरे राजा रे मरो आठ में हो। सर्प भई जिंदा हो बे कितने बचियो भूप आठ में दिन डसी जावे रे। अब आई मौत तुम्हारी और ले बच के भूप रहोगे दिल में अब पछताई। लड़कों ने जा करके जब बताया है महात्मा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है और आठवें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, आठवें दिन तुम्हें सर्प डस लेगा,
जो इतने वचन सुने हैं तो होश उड़ गए, पैरों के तले धरती खिसक गई कि मैंने बुरा किया, इसलिए हमें उसका फल वैसा ही मिला। दोस्तों ध्यान रखना, मरने से पहले अगर किसी को यह पता चल जाए कि आज के आठवें दिन मर जाओगे तो जिंदगी में फिर चैन कहां। उस श्राप को सर के ऊपर धारण किया है और चले हैं, शरीर से राजसी वस्त्र उतार करके फेंक दिए हैं। महात्मा जैसे कपड़ा धारण करने के बाद में, योगिया बाना पहनने के बाद में यमुना के किनारे की तरफ बढ़े हैं परीक्षित। उत देख कंठ की गति नारे कह पति उमर मेरी बारी, और कैसे तुम बिन बचे राजन हो बे मेरी ख्वारी। नबलदे दुखी हो गई, अपने पति के चेहरा की तरफ निहार करके रोने लगी, कहने लगी महाराज अब क्या होगा। बिल बिलाई बिल खाई कहा करूं हाय नारी किलकारी, लखसैया की दशा रोई गई नारी, लखसैया की दशा रोई गई नारी। जैसो रूप धारण करके परीक्षा जब आगे को बढ़े, स्त्री नबलदे ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, श्रीमन ये क्या हुआ, और तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगी, बिना पति के स्त्री अब जला मुर्दा की तरह से होती है प्रभु, मैं क्या करूंगी। उसी समय दुखी देख के नारी को बोले बचन उचारी, ये दिन सबके सामने क्यों चिंता कर रही नारी। परीक्षित कहने लगे नबलदे ये दिन एक दिन सबको देखना पड़ता है, इसलिए तुम हमें यहां से जाने दो, और मौत का समय जो निश्चित होता है वो उसी समय पर आती है। बात दूसरी ये है कि कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैंने बुरा कर्म किया इसलिए मुझे उसका फल वैसा ही मिला। समझाया परीक्षित ने कि नारी माती रो बेरी नबलदे, नारी माती रो भला दे दिल में धरी ले हो दिल में धर ले धीर पति तेरो समझावे, मैं ही क्या संसार एक दिन सब ही जावे रे, धन दौलत माल खजाना और महल अटारी सब परिवारी संगन कोई जाना। रोते हुए छोड़ करके परीक्षित यमुना के किनारे पहुंचे हैं और वहां व्यास के पुत्र सुखदेव आ गए हैं। सुखदेव जी के सामने बैठ करके अपनी दिल की कहानी कही है। इस तरह से परीक्षित को श्राप लगा है, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए। क्षमा करें, यहां से आगे इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का, परीक्षित श्राप से आगे की कहानी। इधर नबलदे रो रही है, कहे नबलदे नारी कैसे मन समझाऊं, तो बिन कैसे रहे संग ही जान गमाऊं रे। यो कहे नबलदे बेनार रोबत रोबत नारी, नबलदे के सूझ गए